Samsung Galaxy M13 5G, ये फोन इंडिया में 5 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। 12 बजे इसका लॉन्च इवेंट है। इस फोन का डिजाइन, स्पेक्स, किस प्राइस पॉइंट पे ये फोन लॉन्च होने वाला है, सब कुछ ऑलमोस्ट आउट हो चुका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सारी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, कैसा डिजाइन है, एंड देन बात करेंगे किस प्राइस पॉइंट पे ये फोन आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। तो डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो रियर साइड पे आपको प्लास्टिक का बैक देखने को मिलेगा। डिजाइन यहाँ पे नया वाला है जो सैमसंग के नए फोन में आपको देखने को मिलता है, जो कि मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है। फ्रेम भी यहाँ पे आपको प्लास्टिक का मिलेगा। अगर मैं बात करूं डिस्प्ले की तो यहां पे आपको मिलेगी नॉच वाली डिस्प्ले। मुझे वो डिजाइन पसंद नहीं है, सैमसंग अभी तक वो फॉलो कर रहा है, नॉट श्योर व्हाई। तो सैमसंग की इंफिनिटी यू डिस्प्ले आपको यहां पे देखने को मिलेगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है डिजाइन से तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मुझे अब वो डिजाइन काफी ज्यादा आउटडेटेड लगता है। अगर बात करूं डिस्प्ले साइज की तो यहां पे आपको मिलेगी 6.5 इंचेस की एक फुल HD प्लस डिस्प्ले। IPS LCD पैनल एक्सपेक्टेड है। आई एम होपिंग कि IPS LCD ही हो। TFT सैमसंग गलती से यहाँ पे ना दे। यहाँ पे आपको कोई हाई रिफ्रेश रेट नहीं मिलने वाला है। 60 हर्ट्ज का आपको यहाँ पे पैनल देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले एक बजट फोन के हिसाब से अच्छी आपको मिलती है। रेजोल्यूशन में भी मुझे थोड़ा सा डाउट है कि 720p रेजोल्यूशन आपको यहाँ पे ना मिले। रियर साइड के कैमरास की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा डुअल कैमरा का सपोर्ट। 50 मेगापिक्सल का यहाँ पे प्राइमरी सेंसर होने वाला है और 2 मेगापिक्सल का या तो मैक्रो होगा या तो डेप्थ होगा। फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात करूं तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5 मेगापिक्सल का सेल्फी फिल्टर, जो कि डिसअपॉइंटिंग है। अगर आपको सेल्फीज लेने का ज्यादा शौक है, आप सेल्फी ज्यादा लेते हो, तो यहाँ पे आपको अच्छी फोटोज नहीं मिलेंगी। मेरे हिसाब से कैमरा थोड़ा सा बेटर हो सकता था, वो यहाँ पे सैमसंग ने नहीं दिया। बैटरी साइज यहाँ पे अच्छा है, जो कि है 5000 mAh का। उसको चार्ज करने के लिए आपको मिलेगा 15 वॉट का फास्ट चार्जर। अब डब्बे में 15 वॉट का चार्जर आपको मिलेगा नहीं मिलेगा वो अभी मिस्ट्री है। आई होप सैमसंग दे। भाई एक बजट फोन है, अगर कोई बंदा बजट फोन ले रहा है तो चार्जर उसे डेफिनेटली देना चाहिए। वो अलग से चार्जर लेगा तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। चिपसेट की तरफ चले तो जैसे ये एक 5G फोन है तो यहाँ पे आपको मिलेगा MediaTek का Dimensity 700, एक डिसेंट चिपसेट है। 5G कैपेबिलिटीज आपको देखने को मिलेगी और सैमसंग आपको अच्छे खासे 5G बैंड्स देता है, तो वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ऑल एंड ऑल नॉर्मल डे टू डे यूसेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गेमिंग के लिए स्पेशली फोन नहीं है तो उसके लिए इसको कंसिडर मत करना। बाकी नॉर्मल यूसेज में आप सब कुछ आराम से यहाँ पे कर पाओगे। आउटर साइड में यहाँ पे आपको मिलेगा एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट ऑफ द बॉक्स और 1 UI कोर यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जहां पे थोड़े से फीचर्स मिसिंग होते हैं। सारे फीचर्स आपको यहाँ पे नहीं मिलते, लेकिन स्टिल एक अच्छा UI आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। स्टोरेज वेरिएंट्स की बात करें तो ये आपको मिलेगा अप टू 6 GB ऑफ रैम एंड 128 GB ऑफ स्टोरेज, जिसका मतलब है आपको मिलेगा एक 4GB 64GB वाला वेरिएंट और एक मिलेगा आपको 6GB 128GB वाला वेरिएंट। कलर ऑप्शंस की बात करें तो 3 कलर ऑप्शंस में आपको ये फोन देखने को मिलेगा, ब्लू, ब्राउन एंड ग्रीन। अब प्राइसिंग की बात करें तो इस फोन का प्राइस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 13,000 के आसपास, जस्ट बिकॉज ये एक 5G फोन है। इसके अलावा कुछ भी आपको यहां पे ज्यादा खास देखने को नहीं मिलता है। 13,000 से अगर ऊपर जाता है तो थोड़ा सा स्लाइटली मैं बोलूंगा ओवर प्राइस हो जाएगा। 13 के नीचे अगर इसको रख पाता सैमसंग तो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो 5 जुलाई तक का वेट करते हैं, हमें इसकी एक्चुअल स्पेक्स एंड प्राइस पता लग जाएगी 5 जुलाई को, और 12 बजे इसका इवेंट अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो। बाकी आप मुझे बताओ कमेंट्स में आपके क्या थॉट्स हैं इस फोन के बारे में। मैं मिलता हूं आपको अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।